आने वाले समय में पार्टी की रणनीति क्या हो, किस तरीके से पार्टी का मुकाबला करे, उसके लिए बहुत सारे नेता कार्यकर्ता आपस में चर्चा कर करके एक रास्ता निकालने के लिए बैठे हैं। और इसलिए जरूरी है ये ट्रेनिंग कैंप भारतीय जनता पार्टी बहुत लगातार मीडिया में भी हमला हो रहा है और लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएं उनको सबको खत्म कर रही है। आप अकेले लड़ेंगे चुनाव, लोकतंत्र खत्म हो जाए, समाजवाद खत्म हो जाए, सेक्युलरिज्म खत्म हो जाए, तो हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान ये है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है। ये सबसे बड़ी हमारी है कि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के रह रहे हैं, ये हमारे देश की खूबसूरती है। शिफाली को खत्म करने का काम कर रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जनता का साथ लेकर के नौजवानों का सहयोग लेकर के सरकार बनाएगी। शिफाली आप लोग टोपी लगा के विधान दो भैया, हाथ दे दीजिए, मुझे उम्मीद है बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी को चुन करके भेजेंगी। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी साजिश कर ले, कितनी भी षड्यंत्र कर ले, कितने भी जिस तरह की घटनाएं हो जाए, लेकिन बंगाल की जनता जानती है सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर कोई है तो ममता बनर्जी। ये जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने भी हमला किया है या जिनके भी सारे में या घटना हुई है उसकी पूरा की पूरा खुलासा होगा। टोपी लगा के विधानसभा जाते हैं।